कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। साईं बाबा मंदिर के पास रहने वाली महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें महिला से म्यूचुअल फंड के नाम पर 4 लाख की रकम ली गई, लेकिन उसे लेने वाले ने अपने व्यक्तिगत कार में उपयोग कर लिया। महिला को इस बात का पता चलते हुए कि उसके साथ ठगी हुई है, उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। क्राइम ब्रांच प्रभारी पप्पू यादव का कहना है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और महिला को न्याय दिलाया जाएगा। एक महिला फरियादियाँ हैं जिनके द्वारा म्यूचुअल फंड के नाम पर आरोपी ने पैसे लिए और उनको म्यूचुअल फंड में निवेश न करते हुए व्यक्तिगत अपने उपयोग में उन पैसों को लाया गया। कितने अमाउंट है ये? 4 लाख रुपए हैं। ये फरियादियाँ द्वारा चेक के माध्यम से इसे दिए गए थे। महिला कहाँ की रहने वाली है? ये साईं बाबा मंदिर के पास की रहने वाली है। महिला का नाम?